हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे फराली रोटी। ये व्रत के लिए स्पेशल रोटी है। इसके लिए हमने लिया थोड़ा सा कुट्टू का आटा और साबुदाने का आटा। साबुदाने को आप मिक्सी में ग्राइंड करके छान के इसका आटा आराम से बन जाता है। और ये समा के चावल आते उसका आटा, ये आटा भी बाजार में मिल जाता है। अगर ना मिले तो समा के चावल को आप पीस सकते हो। और थोड़ा सा नमक डालेंगे, सेंधा नमक लिया है हमने, क्योंकि व्रत में सेंधा नमक ही खाते हैं। और इसको बनाने के लिए पानी और थोड़ा सा देसी घी। ये तीनों आटे को हमने अच्छे से नमक के साथ मिक्स कर लेना है। इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसको पानी से धीरे धीरे गूंधेंगे हम। अच्छा टाइट सा आटा गूंधेंगे, ना ज्यादा गीला हो ना ज्यादा टाइट हो। जैसे हम चपाती का आटा गूंधते हैं उसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंधेंगे हम। आटे को हमने गूंध लिया, अब इसको 10 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। हमने इसमें तीन तरह के मिलाए, इसमें और सिंघाड़े का आटा भी आप मिला सकते हो, चार तरह के आटे भी मिला सकते हो। आटे के छोटा सा पेड़ा लेंगे और इसको सूखे आटे में डिप करेंगे। सूखा आटा भी हमने कुट्टू का ही लिया है, क्योंकि व्रत की रोटी बना रहे हैं तो व्रत का ही सब कुछ लेंगे। और इसको अब हमने गोल गोल बेलना है। रोटी को इस तरह से तवे पे सेक लें अच्छे से दोनों तरफ। अब इसमें थोड़ा सा देसी घी लगा देंगे इस तरह से, और इसको अच्छे से हमने सेक लेना है, दोनों तरफ इसको सेकना है। हमारी फराली रोटी खाने को तैयार है। आप इसको आलू की सब्जी या कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी के साथ खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर देना।